लो जी आ गए भर भर के सर्दी गर्मियों का मौसम, जिससे हमारे चेहरे में जो है चिपचिपेपन भर जा रहा है, चेहरा काला पड़ जा रहा है, चेहरे के जो दाग धब्बे हैं वो हो रहा है, सन टैनिंग हो जा रही है। इस सब से छुटकारा पाने के लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि होममेड फेस पैक जो घर में ही बनेगी और घर के सामानों से ही बनेगी, जो आपके किचन में ऑलरेडी अवेलेबल हर टाइम रहती है, और जो चीज़ नहीं रहती वो भी आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। मेरी ये सब नुस्खा होती है जो आसानी सी होती है, जो आपको जल्दी मिल जाए और घर में अवेलेबल भी रहे। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा बकर बकर ना करके। क्या होता है, हमारी जो स्किन है ना बहुत ढीली सी पड़ गई है, या हमारी स्किन की रंग काला होते जा रहा है, उसके लिए भी नुस्खा बहुत मज़ेदार वाली होने वाली है, बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए खाली कटोरी, जिसके बिना तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद हमें लेनी है मुल्तानी मिट्टी। मैंने यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी गाठा वाला लिया था, उसको मैंने घर में पीस लिया। आप चाहो तो पाउडर वाला भी ले सकते हैं। मैं आधा चम्मच से थोड़ा कम मुल्तानी मिट्टी लूँगी, क्योंकि मेरे चेहरे पे चाहिए नहीं होती एक चम्मच पूरा। अगर आप लोग दो या तीन जने लगाओगे तो इसमें एक या दो चम्मच ले सकते हो। और हम लेंगे इसमें टमाटर का पल्प, जो बीच की जो रस है उसको लेंगे। आप लोग अगर ज़्यादा बना रहे हो तो पूरा एक टमाटर ले लेना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना रही हूँ बस मेरे फेस पेस के लिए, क्योंकि मेरा फेस है नहीं उतना बड़ा इसलिए। और हम ले रहे हैं यहाँ पे गुलाब जल। गुलाब जल से पैक बन कर रेडी होगा। थोड़ा सा गुलाब जल इसमें चाहिए। अगर आपके पास गुलाब जल अवेलेबल ना हो तो आप नॉर्मल पीने वाला साफ वाटर से भी इसको बना सकते हो। इसको अच्छे से बना के पतला सा पैक बनानी है। गुलाब जल से पूरा बनेगा ये पैक। जो हमने इसमें मुल्तानी मिट्टी लिया है वो आपके चेहरे पे कसाब लाएगा, आपके चेहरे की झुर्रियाँ को ख़त्म करेगा, आपके कलर को साफ करेगा, आपके पिम्पल्स को ख़त्म करेगा, कलर को भी साफ करेगा। और अगर आपके फेस लटक रहा है ऐसे तो उसको टाइट बनाएगा। और जो इसमें हमने टमाटर लिया है वो टमाटर हमारे फेस पे, टमाटर में विटामिन सी रहता है जो हमारे फेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। टमाटर हमारे कलर को साफ करता है, हमारी दाग धब्बे को हटाते हैं। उसके बाद हम लेंगे हल्दी एक चुटकी के करीब, क्योंकि हल्दी एंटीबैक्टीरिया का काम करते हैं हमारी फेस पे। एक चुटकी के करीब हल्दी, हल्दी अगर आप हर एक फेस पैक पर अगर डाल सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हल्दी हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे खाने के लिए अच्छा होता है वैसे फेस के लिए भी अच्छा होता है। ये हो गई मेरी पैक बन के रेडी, ना ज़्यादा गाढ़ा हुई है ना ज़्यादा पतला हुई है, गिरेगा भी नहीं। इसको हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे साफ से फेस में। पहले फेस वॉश करके बैठ जाना। चम्मच में लगी हुई थी तो मैंने सोचा वो भी अप्लाई कर लेती हूँ, उसको फेंके क्यों। फिर हाथ की मदद से उसको मोटे मोटे लेयर से अपने फेस पे अप्लाई करनी है। बिंदु तो हटा लो पहले। मोटे मोटे लेयर से उसको अप्लाई करनी है पूरा फेस पे। मुल्तानी मिट्टी बहुत पुराने ज़माने से ये फेस पैक की काम कर रहा है, फेस को ग्लोइंग बनाने के काम कर रहा है। पहले के ज़माने में इतना फेशियल, इतना अच्छे अच्छे पार्लर, इतना अच्छे अच्छे महंगे महंगे क्रीम थोड़ी था उस टाइम। तो राजा महारानी लोग तो ये बेसन और मुल्तानी मिट्टी का ही ज़्यादातर फेस पैक बना बना के अपने फेस को गोरा बना देते। अब चाहो तो इसको ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो अपने हाथों से, ये अपने फेस पर। कर लिया हमने इसका अप्लाई। इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको सूखने के लिए, फिर नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लेंगे। इस फेस पैक को अगर आप हफ्ते में एक या दो दिन यूज़ कर सकते हो ना तो बहुत अच्छा रहता है अपने फेस के लिए। जो हम लोग सनस्क्रीन यूज़ करते हैं वो तो सुबह के लिए तो चाहिए ही, जो घर में भी सनस्क्रीन के ऊपर से भी ना हमारे फेस में डार्क स्पॉट आ जाती है, दाग धब्बे आ जाते हैं, वो भी ख़त्म करेगा सन टैनिंग जो है उसको हटाएंगे। बहुत फ़ायदेमंद नुस्खा है, अगर मैंने जैसे जैसे बोला ऐसे अगर आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा आपको। मैं जब वॉश करूँगी तब आपको इसका रिज़ल्ट एक बार में देखने को मिलेगी। अगर आप ये हफ्ते में कर सकते हो एक या दो दिन तो बहुत अच्छा रहेगा आपके फेस के लिए। चलिए मैं इसको 5 मिनट बाद वॉश करके फिर मिलती हूँ आप सब। लो जी मैंने कर लिया इसको वॉश। 5 मिनट रखने के बाद मैंने इसको नॉर्मल वाटर से धो लिया, और आप देख ही सकते हो मेरी फेस जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तब और आपकी फेस
आपको फ़र्क पता ही चल रहा है एक बार में। जब मेरे फेस में इतना फ़र्क पता है तो आप लोग करोगे तो आपके फेस में भी पता चलेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग ये मेरी नुस्खा अगर अप्लाई करते हो। अगर आप लोगों को फ़र्क मिलता है, अच्छा फ़ायदा मिलता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये पूरा सारा दागों को हटा देंगे, आपकी जो सन टैनिंग है उसको हटाएंगे, आपकी फेस के कलर को साफ़ करेंगे, आपके फेस में जो दाग धब्बे हैं उसको हटाएंगे, आपके फेस जो लटक गए उसको सही करेंगे, आपके फेस में झुर्रियाँ जो होती है झाइया उसको ख़त्म करेंगे। मुल्तानी मिट्टी तो बेस्ट माना जाता है गर्मियों का, जो एक होती है ना जो तबीयत ख़राब होती है तो अच्छा दवाई, बुखार आता है तो सबसे अच्छा दवाई क्या होता है, वैसे फेस के लिए सबसे अच्छा दवाई है जो मुल्तानी। आप अगर चाहो तो इसको आप अपने सर पे भी अप्लाई कर सकते हो, मैंने जैसे बताया वैसे नहीं, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी को अपने सर पे भी अप्लाई कर सकते हो। और जो नेचुरल एलोवेरा जेल है जो हमारी पल पे पत्ते होते हैं उसको लेके उसमें भी अगर आप मिक्सी में पीस के उसका जो लिक्विड वाला फॉर्म जो बन जाएगा वो और मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके अपने बालों में भी लगा सकते हो, अपने बालों को भी बढ़ाने में वो मदद करेगा और आपके फेस के लिए तो फ़ायदा है ही। अगर चाहो तो वो अपने फेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको अगर रोज़ अगर आपको अगर सिर्फ मुल्तानी मिट्टी से अगर आप फेस वॉश कर सकते हो तो वो भी तो बहुत अच्छा होता है आपके फेस के लिए। आपको मेरे फेस में फ़र्क पता ही चल रहा है कि कितना साफ़ हो गया, कितना क्लीन हो गया फेस एक बार में ही। आप ही समझ लो अगर आप इसको हफ्ते में 2-3 बार यूज़ करोगे तो आपका फेस भी ऐसे ही हो जाएगा और धीरे धीरे और ज़्यादा ग्लो करेगा और ज़्यादा कलर साफ़ होगा। एक बार में कोई चीज़ भी रिजल्ट तो देता है अच्छा ही, लेकिन उतना अच्छा नहीं देता कि एक बार में आपको गोरा कर देंगे, आपके सारे दाग धब्बे हटा देंगे। थोड़ा तो एक बार में फ़र्क पड़ेगा, आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा फेस पहले से क्लीन हुआ है, मेरा फेस के दाग धब्बे धीरे धीरे कम होगा, मेरा फेस साफ़ हुआ है। जो गंदगी जमी हुई रहती है उसको बाहर करके फेंक देते हैं और धीरे धीरे जब आप 1 हफ्ता कंटिन्यू उसको करोगे, मतलब कंटिन्यू रोज़ नहीं करनी, अगर चाहो तो आप रोज़ भी कर सकते हो, इसमें तो कोई साइड इफेक्ट्स होती नहीं है क्योंकि घर की सामान ही है सब कुछ, घर की सामानों से साइड इफेक्ट्स नहीं होती है। हम लोग तो मार्केट वाला कुछ यूज़ नहीं कर रहे इसमें, सब कुछ घर में और अवेलेबल आपके घर में हमेशा रहती है। मुल्तानी मिट्टी अगर ना हो तो आप मुल्तानी मिट्टी बाहर से ले आ सकते हो, हर मार्केट में मिल जाती है मुल्तानी मिट्टी। अब दूसरा स्टेप हमें करनी है गुलाब जल, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो, थोड़ा सा हाथ पे लेके उसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लेनी है। कुछ होती है ना फेस पे लगाने के बाद फेस थोड़ा सा ड्राई हो जाती है, बहुत लोगों का ड्राइनेस से हल्का सा आ जाती है, उसको ही हटाएंगे। और अपने फेस के लिए भी गुलाब जल बहुत अच्छा होता है, अगर रोज़ रात को सोने से पहले अगर गुलाब जल लगा के आप सोना आपके फेस में तो भी आपका फेस बहुत अच्छा निखारेगा। वो दिख ही रहा है मेरा फेस इतना क्लीन हो गया, आप लोग भी अगर इसको अप्लाई कर सकते हो आपके फेस भी ऐसे ही क्लीन होगा, आपके फेस भी दाग धब्बे बहुत हटेगा। आपको जो हाउस वाइफ होती है ना उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, उसको बहुत फ़ायदेमंद है उनके उन लोगों के लिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बाहर ज़्यादा जाना होता नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से वो कोई रेमेडी लेके बहुत जल्दी आऊँगी जो आपको हेल्प हो जाए, आपके पार्लर की पैसा बच जाए, उस पैसे से आप कुछ शॉपिंग भी कर सकते हो, अपने कपड़े भी ले सकते हो या कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हो, वो पैसा बचाएंगे। मैं फिर से बहुत जल्दी आने वाली हूँ कोई नया रेमेडी लेके अपने फेस के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। वैसे अगर तो वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।